आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी बातें क्या हैं। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से विनोद कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। सरकार द्वारा दुष्टियाँ इनके बहुत ज़्यादा हैं। ये किसी भी प्रकार से शिक्षा मित्रों को देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि इनके ही पुरोधा हम लोग हैं। माननीय कल्याण सिंह की मौत सरकार के हम लोगों को रखा गया था, उसके बाद इनके द्वारा हमको समाजवादी पार्टी के द्वारा हमको जो है समायोजित किया गया और शिक्षक का दर्जा दिया गया, मान सम्मान दिया गया। इन्हों बदले की भावना से हम लोगों के ऊपर जो कार्यवाही कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया, इसमें कहीं ना कहीं से इनका भी उन्हें संलिप्तता पाई जा रही है। क्लियर है कि राज्य सरकार को, अगर राज्य सरकार चाहे तो इनको रख सकती है। एक लाइन नीचे बढ़ाई गई है, इससे पहले 14 जुलाई को उसी पहले इन्होंने 4 महिलाओं को, जो उनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी और मानवीय अधिकार को देखते हुए उनको रखा गया और उनसे कहा उनकी कोई डिग्रियां नहीं, लेकिन मैं उन 8 साल से वो पढ़ा रही हैं और हम उनके रोजी रोटी नहीं ले सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर डिसीजन आया है, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग 17 साल से सेवा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, हमारा कोई रिलेक्सेशन नहीं दिया गया, सिर्फ उम्र में दे दिया। हर 17 साल में जीवनी के जैसे हमने आपको दिया, बेसिक शिक्षा परिषद को दिया, और हमारे पास जब आज समय आया तो ये कह रहे हैं कि आप टेट करिए। टेट एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ कोई मानक है सिर्फ पूरा करने के लिए, कोई ये वो डिग्री नहीं है, और इसमें तो उसको खाली अवधारणा बना करके हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, जाति को किया जा रहा है। हमारे आज जो है बच्चे उनकी जो माली हालत क्या चल रही है, हम लोग यहाँ मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चों की हम फीस नहीं जमा कर सकते हैं। सर, मैं 20 लाख रुपया लोन लिए हूँ, मुझे मेरी 18,183 रुपये उसकी किस्त है, होम लोन मैंने लिया है उसकी 18,183 रुपये किस्त है, हम कहाँ से जमा करेंगे? हमारी सर्विस चली गई, हमारे बच्चे हैं, हम उनकी फीस कहाँ से जमा करेंगे? कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? कैसे बूढ़े माँ बाप को हम उनकी इलाज के कराएंगे? ऐसी बेदर्द सरकार हमने आज तक कभी नहीं देखी। इस तरह के डिसीजन हम क्या बताएं, हम कहाँ सहयोग करें कि हमारे सहयोग करेंगी? हम बहुत टूट चुके हैं, हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। हम इस बड़ी उम्मीद थी बीजेपी सरकार से कि हमारा सहयोग, हमारा समर्थन, हमारे लोगों को सही उचित मान सम्मान हमको मिलेगा, लेकिन इससे हमको कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। ये अपनी ही बात रखना चाहती है और हमको 10,000 रुपये 5 सितंबर को दिया कि 10,000 रुपये में आप जाइए पुनः शिक्षा मित्र पद पर कार्य करिए। जगह महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये मैं 39,000-40,000 पा रहा था, मैं 10,000 में जाऊँ, मुझको 39,000-40,000 रुपये मिल रहा था, मैं 10,000 अपने परिवार को कैसे चला पाऊँगा, कैसे अपने भरण पोषण कर पाऊँगा? महोदय, ये सिर्फ पैसे की लड़ाई है, कुछ नहीं है। ये लोग सिंह और एक एक जिसे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनके जो है कम से कम 20 डिग्री कॉलेज चलते हैं और इनके BTC कॉलेज चलते हैं, इनकी जांच कराई जाए। जितने भी सांसद विधायक हैं कितने कॉलेज चलते हैं इसकी जानकारी कीजिए। इनको RTI के तहत, चाहे जिसके तहत, चाहे जहां से, इनकी जानकारी करके इनके पे CBI लगाई जाए। इनके बाद कहां आय से अधिक संपत्ति में, ये सारे सांसद विधायक नेता सब फंसेंगे, इनके ऊपर जरूर इसकी जाँच होनी चाहिए। और ये हम लोग बता रहे हैं कि 10,000 मिनट पर जाए, 1.25 लाख रुपये इनकी जो है वेतन इन्होंने अपना लगाया है, 1.25 लाख से अगर ये लोग जो है 10,000 रुपये ले लें, हम भी ले लेंगे। हम गरीब किसान के लड़के हैं, हम भी ले लेंगे। क्या कि इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनको भी अपने मानक अनुसार रहना चाहिए। हम तो गरीब किसान के बच्चे हैं, किसान आज भूखों मर रहा है और ये शहर के अंदर। विनोद जी, अभी एक हमारे साथी ने बताया कि ये भगवा वस्त्र की सरकार ने हमारा नुकसान किया है, तो ये भगवा टोपी लगा के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं भगवा टोपी लगा के इनका विरोध कर दर्शाना चाहता हूँ। इस पे लिखा भी है, मुझको और कुछ न चाहिए, मुझे अध्यादेश चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये भगवाधारी जब झूठ बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, जब इसने कहा था कि हम जो है शिक्षा मित्र हमारे अपने हैं, बनारस में जाके उन्होंने कहा, तो कहाँ गया अपना तू इनकी आँखें हैं? काला चश्मा लगा के डान बने घूमते हो, बस इतनी चलाओ, कुछ नहीं जानते हो। पर महोदय, मैं चाहता हूँ, मेरी विनम्र निवेदन है, ये लोग इसको ध्यान दें और हमारे कहें, और मीडिया कोई भी मीडिया हम लोगों के बारे में नहीं दिखा रही है, ना कोई न्यूज आ रही, ना TV पे दिखा रहे हैं, पेपर में भी नहीं आ रहे हैं। ये सब बिकाऊ हैं और ये सब जो है BJP की चेन है, सब BJP किसी की लड़की चला रही है, किसी का नेता चला रहा है, किसी का दामाद चला रहा है, ये मीडिया चला रही है। वो पेपर में वही छापते हैं जो BJP चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती है। बस जो जितना BJP चाहेगी वही सिर्फ मीडिया दिखा रही है। बस मीडिया को चाहिए शिक्षा मित्रों का दर्द दिखाए, लोगों का दर्द दिखाए, इसलिए मीडिया हो बनी है। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे लोगों के दर्द के बारे में, अगर वो नहीं दिखा रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मीडिया बिक चुकी है, उसको मोटा पैकेज दिया गया है।
इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, हम लोगों के जज्बातों से खेला जा रहा है। हमारी रोजी रोटी मिलनी चाहिए, इसके लिए चाहे जो वो करे हम कुछ नहीं जानते। संविधान संशोधन करे, इनके पास है, इनके कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी पिछले बार, तो वहाँ पर हमारा प्रदर्शन चल रहा था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो प्रदर्शन चल रहा था, तो माननीय योगी जी वहाँ प्रदर्शन में गए, सांसद गोरखपुर में चल रहा था, तो गोरखपुर में उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों धैर्य रखिए, धैर्य रखने की जरूरत है, आप लोग इस अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से आंदोलन चलाइए और चलाते रहिए, और सरकारें आपके आंदोलन को समाप्त करने के भरसक प्रयास करेगी, लेकिन इस समय आप अपने आंदोलन को खत्म मत होने दीजिए, इस समय आपके आंदोलन को धार देने की जरूरत है। अरे कहाँ गई आपकी धार, कहाँ गए आप? अरे आप तो केंद्र में बैठे हैं, राज्य में बैठे हैं, तो आपकी धार कहाँ गई? दूसरे की सरकार जब बनती है तो आप धार देने की बात करते हैं, जब आपकी सरकार बनती है तब आप क्या करते हैं बताइए? जुल्म ढाते हैं और क्या करते हैं? एटा में हमारे बहनों के ऊपर लाठी चार्ज की गई, एक बहन हमारी जो उसका पैर टूटा है, एक बहन हमारी जो है सभी जेल में पड़ी हुई है, बताइए ये क्या है? ये अन्याय नहीं और क्या कर रहे हैं? गोरखपुर में पानी पैनल के अंदर हमारे वार कर रहे हैं, वाटर कैनल चलाया जा रहा है हमारी बहनों के ऊपर, इनको शर्म नहीं आती है? ये मुख्यमंत्री है, ये योगी है कि ढोंगी है हम कुछ नहीं जानते हैं, ये मुख्यमंत्री है, हमको नहीं लगता है ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री अगर ये होते, अगर ये गोरखपुर से उस वहां से है, तो गोरखपुर में जो सांसद है, गोरखपुर में उससे पहले यहाँ पर पीठ है, पीठ पर बैठे हैं, पीठाधीश कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारी रीना बहन जब वार्ता करने के लिए गई तो वहां पर इन्होंने झूठ बोला और उनसे कहा भी कि आप पीठाधीश हैं, आप पीठाधीश होने के बाद हमारे मुखिया भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है आप लेके उन लोगों के मान सम्मान को लौटाएंगे, ये हमारा मान सम्मान लौटाए 10,000 रुपए देके धोखे से। धन्यवाद, थैंक यू।